अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गौहराम, मैं फाउंडर ऑफ राइजिंग बुल कंसल्टेंसी और पिछले 3 साल से इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टर और ट्रेडर हूँ। आज मैं बात करूँगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काम करने के लिए आपको किन बेसिक रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, किन रूल्स के तहत आप ये कारोबार करते हो और अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते हो। तो पहला रूल ये है कि आपको हर कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फिक्स करना होगा, चूज करना होगा। एग्जांपल मैं एक देता हूँ कि अगर आपको कोई स्टॉक लेना है और उस पर आप सोच रहे हो कि आपको 10 रुपये प्रॉफिट हो, तो आपको अपना रिस्क फैक्टर जो है वो 5 रुपये का रखना होगा। मतलब 10 रुपये के प्रॉफिट पे आप 5 रुपये का रिस्क ले सकते हो। इसको कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार करने के लिए। सेकेंड रूल ये है कि अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार करते हो तो कोशिश करो कि आप हमेशा अपने कैश पे रहो। मतलब अगर आप कोई ट्रेड या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो हमेशा अपना कैश इस्तेमाल करें। और अगर आप न्यू हो इस कारोबार में तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग और शॉर्ट सेलिंग से आप दूर रहो। थर्ड रूल ये है कि अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार करना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको मार्केट को अच्छे से एनालाइज करना होगा, आपको अपना होमवर्क करना होगा। आप जिस कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो उसके बारे में आपकी रिसर्च अच्छी होनी चाहिए और कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कि वो कंपनी कौन से प्रोडक्ट बनाती है और उसका सेल्स कहाँ पे है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसका मैनेजमेंट कैसा है। तो ये सब होमवर्क आपको करके रखना होगा, और बगैर होमवर्क के आप कभी भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट मत करें। फोर्थ रूल ये कि आपको अपना ट्रेडिंग स्टाइल का पता हो और आपने जो ट्रेडिंग सिस्टम बनाया है उसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज और इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। जितना अच्छा आप खुद को जानते होगे, मतलब आपको अपना ट्रेडिंग स्टाइल पता होगा, उतना ज़्यादा चांस इंक्रीज होता है आपके प्रॉफिट का। और जितना अच्छा आपने अपने ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो किया होगा उतना ज़्यादा अच्छा आपका चांस बनता है प्रॉफिट कमाने में। फिफ्थ रूल ये है कि अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार करते हो तो आपको अपना ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप करना होगा, बनाना होगा। ट्रेडिंग सिस्टम ये होता है कि आपको पता हो आपने स्टॉक में कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट लेना है, कितना परसेंट प्रॉफिट अर्न करना है और आप उस ट्रेड पे कितना परसेंट लॉस बेयर कर सकते हो। तो जब ये सब आप कंप्लीट कर लोगे उसके बाद ही आप स्टॉक में एंट्री या एग्जिट ले सकते हो। ये सब आपको ट्रेड लेने से पहले फिक्स करना होगा और कोशिश करना है कि आप डिसिप्लिन से अपना सिस्टम फॉलो करो ताकि आप अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सको। सिक्स्थ रूल और लास्ट रूल ये है कि अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार करते हो तो अपना सारा पैसा आप एक स्टॉक पे मत डालो, अपना पोर्टफोलियो बनाओ, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्स रखो और कोशिश करो कि हर सेक्टर से एक एक या दो दो कंपनी आप परचेज करो, उनके शेयर्स परचेज करो और इस तरह अपना जो रिस्क है उसको डाइवर्सिफाई कर लो। मतलब अगर आपका एक स्टॉक नहीं चलेगा तो आपको चांस होगा कि आपका दूसरा सेक्टर का दूसरा स्टॉक प्रॉफिट दे दे और उस लॉस को कवर कर सके। इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, और आपको ये बिल्कुल सीखना पड़ेगा अगर आपको यहाँ पे कारोबार करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।